Hello kids, I hope you all are going good. So let's start. Today we will learn English, and in that we will learn the first chapter of English, that is White Ship. So it is a poem. So let's get started, okay? So repeat with me kids. White ship on a blue hill. Once again. White ship on a blue hill. इस पोएम का जो पोएट है वो बता रहा है कि जो व्हाइट कलर के भेड़िए होते हैं वो कहाँ पे हैं? On a blue hill. So repeat with me once again. White ship on a blue hill. When the wind stop, you all stand still. So once again, repeat with me. When the wind stop, yes, you all stand still. Poet बता रहा है कि जब हवाएं रुक जाती हैं, तब वो लोग भी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं. They stand still. मतलब वो कहीं move नहीं करते हैं. वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं. Okay, next. You all run away. So repeat with me. You all run away when the wind blows. So once again, you all run away when the wind blows. Means poet अब जो है वो बोल रहा है कि जब हवाएं चलने लगती हैं तब आप लोग वहां से चले जाते हैं. जो भेड़िए होते हैं वहां से चले जाते हैं जब हवाएं चलने लगती हैं. तो पोएट पूछ रहा है कि वो जब हवाएं चलने लगती हैं, ब्लो होती हैं, तब वो लोग वहां से रन अवे हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं. White ship, yes, repeat with me kids. White ship, where do you go? तो पोएट पूछ रहा है कि white ship मतलब भेड़िए, उजले कलर के जो भेड़िए हैं, तुम लोग जाते कहाँ पे हो? Means where do you go? वो लोग चले जाते हैं वहां से, भाग जाते हैं, हवा चलने लगती है, तो where do you go? So the poem was written by Christina Rossist. Okay, मुझे पता है कि आप लोगों की बुक में पोएट का नाम मेंशन नहीं है, बट मैंने बताया है कि इस पोएम को लिखा है क्रिस्टीना रोसिस्ट ने. ओके, सो अब नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे वो पोएम को हम दोबारा रिपीट करेंगे और बहुत अच्छे वे में रिपीट करेंगे. ओके, मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे उस चीज, उस पोएम को, उस लाइन को. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, white ship, yes, white ship on a blue hill. Okay, repeat with me. White ship on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the wind stops, you all stand still. Yes, kids. Okay. You all run away when the winds blow. Once again, you all run away. Yes, very good. Repeat with me. You all run away when the wind blows. White ship. Yes, very good kids. Repeat with me. White ship. Where do you go? Okay. तो पोएट ने क्या पूछा कि where do you go white ship, white कलर के भेड़िया जो है, आप लोग जाते कहाँ पे हो? ओके, ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो आप लोग इस पोएम में आपने देखा होगा. ओके, तो उस वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस सम डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम दिस पोएम. ओके, फ्रॉम दिस पोएम वी विल discuss some difficult words from this poem. So let's get started. Okay. So some difficult words are So here you can see three words: still, run away and hill. I will make you
clear about these three difficult words, okay? So, first, still. So, the meaning of still is hardly moving or not able to move. Means, या तो बहुत कम हिलना या तो बिल्कुल भी नहीं हिलना, ओके? एक जगह पे एकदम स्टिल होके खड़े रहना, मतलब कहीं नहीं हिलना, कहीं कहीं नहीं जाना, एक जगह पे खड़े रहना, ओके? सो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ओके? सो हियर इज एन एग्जांपल. सो बिल्डिंग ऑफ स्कूल आर स्टिल. क्या स्कूल की बिल्डिंग कहीं हिलती है? नहीं हिलती है, इसीलिए हमने स्टिल वर्ड का यूज किया है, क्योंकि बिल्डिंग ऑफ स्कूल जो होती है एक जगह पे टिकी रहती है, कहीं वो हिलती नहीं है. सो सेकेंड वर्ड इज रन अवे, मीन्स फ्ली, मीन्स वहां से चले जाना. रन अवे मैंने बोलते हैं ना, रन अवे, चलो यहां से भाग जाओ. सो दैट मीनिंग इज फ्ली. ओके. डॉग्स रन अवे बाई सीइंग लॉयन. ओके, द डॉग क्या होते हैं? लॉयन को देख के तो भाग जाएंगे ना, डॉग. सो इसका मीनिंग क्या बोला गया है? डॉग रन अवे बाई सीइंग लॉयन. लॉयन को देखते ही वो लोग, वो जो डॉग था वहां से भाग गया. मतलब रन अवे का मतलब है वहां से चले गया, चल गया. ओके, थर्ड वन इज हिल. हिल का मीनिंग होता है नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड. ओके, हिल को हम बनाते नहीं है, कहीं से वो निकलता है, वो नेचुरली रेज्ड होता है, मतलब नेचर के द्वारा दिया गया वो होता है, वो लैंड होता है जो उठा होता है. ओके, रेज्ड मतलब उठा होता है. द हिल आर वेरी ब्यूटिफुल. आपने देखा है ना, हिल्स जो होते हैं, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, हिल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो कितनी कितनी सुंदर होती हैं. तो हिल्स का मीनिंग वही होता है जो नेचुरली होता है, कोई बनाता नहीं, बनावटी नहीं होता है. ओके, ओके, द पोएम इज, वी विल रिपीट द पोएम वंस अगेन एंड वी विल गेट, वी विल नो मोर अबाउट दैट, एंड हम लोग इसको इतने अच्छे से लर्न कर लेंगे कि जब भी स्कूल ओपन हो तो हमें ये पोएम आप मुंह पे एकदम याद हो. जब मैं पूछूं व्हाइट शिप, तो आप लोगों को वो पोएम एकदम अच्छे से लर्न हो, मतलब उसमें एक भी मिस्टेक ना हो, आप एक एक बच्चों को सारी पोएम्स लर्न हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हाइट शिप, व्हाइट शिप, यस, रिपीट विथ मी किड्स, व्हाइट शिप, व्हाइट शिप ऑन अ ब्लू हिल. Yes, once again, white ship on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. Repeat with me. When the wind stops, yes, you all stand still. You all run away, yes. You all run away when the wind blows. Repeat with me. You all run away when the wind blows. White ship, repeat with me. White ship, where do you go? Okay, once again. White ship, repeat with me kids. White ship on a blue hill. Yes, very good. White ship on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. You all run away when the wind blows. White ship, where do you go? Okay, तो I hope आप लोगों को ये poem एकदम अच्छे से याद हो गई होगी, जो मैंने समझाया आप लोगों को एकदम अच्छे से थरो हो गया होगा, आप लोग एकदम अच्छे से, आपने अच्छे से learn कर लिया होगा. So kids, white ship poem मैं आप लोगों से एकदम अच्छे से सुनना चाहती हूँ. जब भी school open हो, आप लोग मुझे एकदम अच्छे से ये white ship वाली poem सुनाओगे. Okay, then done. Done kids? Okay.
So kids, white ship. Okay then, bye kids. Have a good day. Take care.